आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। चलिए रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी मामले पर यूपी सरकार का ऐलान, मृतकों के परिजनों को नौकरी, 45 लाख रुपए। हाईकोर्ट के पूर्व जज करेंगे हिंसा की न्यायिक जांच। जी हां, यूपी सरकार ने घोषणा की है कि हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच करेंगे। साथ ही घटना में मारे गए 4 किसानों के परिवारों को 45 लाख रुपए के मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। लखीमपुर खीरी में हिंसा में किसानों की मौत के बाद उप प्रशासन के अधिकारियों और किसानों के बीच समझौता हो गया है और उनकी सभी मांगे मान ली गई है। कोरोना से मौत होने पर परिवार को 50,000 का मुआवजा, दावे के 30 दिनों के भीतर मुआवजा जारी करने का निर्देश। जी हां, कोरोना से मौत होने पर परिजनों को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की योजना पर मुहर लगाते हुए गाइडलाइंस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा राज्यों की अनुग्रह राशि देने की अन्य योजना से अलग होगा। ये मुआवजा भविष्य में होने वाली मौतों पर भी लागू होगा। इसका भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये मुआवजा आवेदन जमा करने और मृत्यु के कारण को कोरोना के रूप में प्रमाणित होने के 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा। कोई भी राज्य सधार में 50,000 रुपये के लाभ से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोरोना नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने किया विंटर एक्शन प्लान का ऐलान, प्रदूषण लेकर उठाए 10 बड़े कदम। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर अहम फैसले किए हैं। इसे लेकर डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सर्दियों में कुछ महीनों को छोड़कर बाकी समय में दिल्ली में प्रदूषण लगभग कंट्रोल में रहता है। पराली का विकल्प अब निकल आया है। दिल्ली सरकार ने आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय समाधान निकाला है और हम केंद्र सरकार के संपर्क में हैं, कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लागू करें। सोनीपत में बड़ा हादसा, स्कूल जा रही छात्राओं को केएमपी पर वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत, 2 घायल, 1 बाल बाल बची। जी हां, सोनीपत के खरगोदा में तुर्कपुर गांव से मंडोरी गांव स्थित स्कूल में पढ़ने जा रही छात्राओं को रास्ते में एक सुजुकी गाड़ी चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई तो वहीं 2 गंभीर रूप से घायल है, जबकि एक छात्रा बाल बाल बच गई। दोनों घायल छात्राओं को सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होते देख डॉक्टरों ने उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया है, लेकिन परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए। बताया जा रहा है कि KMP एक्सप्रेस वे के पुल के नीचे पानी भरा था, इस पर छात्रा KMP एक्सप्रेस वे को ऊपर से चढ़कर पार कर रही थी। सुपरटेक को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। एमरोल्ड कोर्ट के 2 टावरों को गिराने का आदेश बरकरार। जहां सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमरोल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिल ट्विन टावर को ढहाने की अदालती आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सुपरटेक द्वारा दायर संशोधन याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुपरटेक को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के अर्जी पर 40 से अधिक किसान संगठनों से मांगा जवाब। जी हां, उच्चतम न्यायालय ने 40 से अधिक किसान संगठनों और राकेश टिकैत, दर्शन पाल तथा गुरनाम सिंह सहित विभिन्न नेताओं को नोटिस जारी किया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों की नाकेबंदी का मुद्दा हल के लिए राज्य पैनल के साथ बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल की PM मोदी से अपील, किसानों की मांगों को मानकर नए कृषि कानूनों को रद्द करे केंद्र। जी हां, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं PM से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अपना अहंकार छोड़ दे और किसानों की मांगों को स्वीकार करे एवं 3 कानूनों को निरस्त करे ताकि किसानों की भी जान बचाई जा सके। NCB ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की। कहा, इंटरनेशनल नेटवर्क से साठगांठ के सबूत।
जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले में अदालत में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित सभी आरोपियों के लिए 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी है। आर्यन, अरबाज और मुनमुन की रिमांड पर बहस के दौरान ASG अनिल सिंह ने कहा कि चैट के जरिए पता चला है कि इसमें इंटरनेशनल कार्टेल की मिलीभगत है, साजिश की परतें खोलने की जरूरत है। पंडोरा पेपर लीक में आया सचिन तेंदुलकर का नाम, संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप। वकील ने कहा सारे निवेश वैध है। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम गलत वजह से सुर्खियों में आने से अब तो हड़कंप मच गया है। जी हां, पंडोरा पेपर्स के नाम से लीक हुए करोड़ों दस्तावेज में भारत समेत 91 देशों के वर्तमान एवं पूर्व नेता, अफसरों और मशहूर हस्तियों के वित्तीय रहस्यों को उजागर करने का दावा किया गया है। सचिन के वकील ने साफ कर दिया कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और उनका नाम यूं ही बदनाम किया जा रहा है। नोबल पुरस्कार 2021 का ऐलान। डेविड जूलियस और आर्डेन पेटामुटियम शेयर करेंगे चिकित्सा का सर्वोच्च सम्मान। जी हाँ, चिकित्सा के नोबेल के लिए दो साझा विजेताओं यानी कि डेविड जूलियस और आर्डेन पेटामुटियम के नाम घोषित किए गए हैं। दोनों रिसर्चरों को शरीर के तापमान, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टरों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के दोनों ही विजेता अमेरिकी है। डेविड जूलियन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर है, तो वहीं पेटामुटियम आर्मोनियाई मूल के अमेरिकी नागरिक है और लाजोला के स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें,